ये आवाज है राम शास्त्री की, शिव के परम भक्त। और ये नारी स्वर है राम शास्त्री की पत्नी देवम्मा का, कामाक्षी की परम भक्त। भक्ति और पूजा ही इनका जीवन है। लेकिन विडंबना ये है कि भक्ति मार्ग पर जीवन को पूर्णता देने में दोनों ऐसे लीन हैं कि दाम्पत्य जीवन की पूर्णता से ही बेखबर हैं। राम शास्त्री प्रकांड वेद पंडित पेरी शास्त्री के संस्कारी सुपुत्र, जिन्होंने कभी धर्म निर्वाह के लिए अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। एक दिन पिता ने अपने एक मार्गी साधक पुत्र को समझाया था, राम जरा इधर आओ बेटे, जी पिताजी। बेटे तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है। विवाह? क्यों, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। किंतु पिताजी, विवाह सबके लिए आवश्यक तो नहीं होता, खासकर मेरे लिए। क्यों, तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मेरा तो पूरा जीवन पूजा पाठ और धर्म कर्म को समर्पित है, मैं उसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहता। फिर विवाह करके क्या करूंगा? जो सभी करते हैं, और गृहस्थ रहकर भी पूजा पाठ धर्म कर्म किया जा सकता है, जैसे मैं करता हूं। और तुम्हें वेद पुराण धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम सन्यासी बन जाओ? किंतु पिताजी, विवाह में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है। नहीं है तो विवाह के बाद पैदा हो जाएगी। विवाह के बिना हमारा जीवन अपूर्ण है बेटे, विवाह जीवन के लिए आवश्यक है। विवाह करना हमारा धर्म है। विवाह करना धर्म है? हाँ बेटे, और भाग्यवश लड़की भी बहुत संस्कारों वाली, बहुत पूजा पाठ करने वाली। ठीक है पिताजी। राम शास्त्री का विवाह हो गया, मानो उन्होंने विवाह करके अपने पिता पर उपकार किया हो। पत्नी बनकर देवम्मा उनके जीवन में आ गई, और इसके साथ ही आ गई राम शास्त्री की सुहाग रात। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। अरे नहीं नहीं नहीं, चरण स्पर्श नहीं, मुझे पाप लगेगा ना? नहीं, चरण स्पर्श नहीं किया तो मुझे पाप लगेगा। अम्मा बोली पति परमेश्वरम। मैं परमेश्वरम? ये तो पिताजी ने बताया ही नहीं। अरे ये क्या किया आपने? पूजा पति परमेश्वरम। क्या आप भी बहुत पूजा पाठ करते हैं? बहुत, जिंदगी में एक ही काम, देवी कामाक्षी की पूजा करना, इसलिए अम्मा के घर से साथ लेकर आई, इधर रखा, ठीक है ना? अभी ठीक है, बाद में इसे अपने कमरे में विधिवत स्थापित करिए। आप देवी कामाक्षी की पूजा करती हैं और मैं भगवान शिव की। हाँ, वो भी पति पत्नी, हम भी पति पत्नी, अच्छा संयोग है ना? आइए बैठिए ना आप। हाँ। आइए। हाँ।
अच्छा संयोग है, तभी तो मैंने शादी के लिए हाँ की। पिताजी बोले बहुत धार्मिक परिवार है। अच्छा ये बताइए, विवाह जीवन के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि विवाह करना धर्म है। बिल्कुल सही, पिताजी भी यही बोलते थे। पहले धर्म चर्चा में उनके साथ कर सकता था, अब मैं आपके साथ भी कर सकूंगा। अहो भाग्य, धर्म चर्चा करना मुझे बहुत पसंद। देवी कामाक्षी भी शिव के साथ बहुत धर्म चर्चा करती है। अच्छा ये बताइए, आपने कौन कौन से धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? चारों वेद, उपनिषद, भगवत गीता। राम शास्त्री और देवम्मा की सुहाग रात धर्म चर्चा में ही बीत गई, और उसके बाद भी हर दिन हर रात धर्म, साधना और आराधना का ही बोलबाला रहा। दोनों सिर्फ पुजारी ही बने रहे, अपनी पूजा को ब्रह्मचर्य के तेज से अलौकिक बनाए रखने के भ्रम में भटकते हुए राम शास्त्री 5 वर्ष पार कर गए। अतीत ही वर्तमान बनता रहा। लगता है देवम्मा की पूजा अभी समाप्त नहीं हुई। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माड़हरागाय महेश्वराय। अम्मा, मेरे से भी ज्यादा पूजा करते वो। वो देखो अभी भी पूजा चालू है। मेरे पति बहुत बड़े पुजारी। तुम्हारी कृपा, तुम्हारा आशीर्वाद अम्मा, मैं उनकी सेवा करके धन्य हो गई। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अम्मा, मैं आज उनके लिए खाना क्या बनाऊं? वो क्या है ना अम्मा, वो कुछ कहते नहीं, इसलिए तुमको पूछ रही हूं। बताओ ना अम्मा। देवम्मा, पूजा समाप्त हो गई? जी हाँ, आती हूँ आती हूँ। इडली और चटनी खिलाती हूँ अम्मा, ठीक है? हाँ। जी। अच्छा है, मैं जरा मंदिर होकर आता हूँ। जी, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। शंभो। शिव कल्याण करे। सब कुशल तो है ना राम शास्त्री? बस शिव जी की कृपा है। शिव जी की कृपा से पत्नी भी परम भक्त मिली है। पूर्व जन्म के पुण्य का फल है शास्त्री। शिव जी की लीला परंपार है पुजारी जी। घर में पूजा पाठ का वातावरण आध्यात्मिक सुख देता है। प्रणाम पुजारी जी। नमस्कारम शास्त्री गारो। नमस्कारम नमस्कारम। सब कुशल है ना? हम लोग तो ठीक है, आप सुनाइए। बस शिव जी की कृपा है। लगता है शिव जी की सारी कृपा तो आप पर ही है, हम गांव वालों पर नहीं। शिव शिव शिव, कैसी बातें करते हो? शिव जी की कृपा तो सब पर होती है। वैसे कुछ हो गया है क्या? अब क्या कहें शास्त्री जी, घोर अनर्थ हो गया। वो अपना रंग गया है ना, उसकी औरत किसी के साथ भाग गई। शिव 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 शिव, घोर कलयुग आ गया। शिव
शिव शंभो शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, नागेन्द्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्माडराकाय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय, महेश्वराय। चलिए आकर लेट जाइए। देवम्मा, आज शिव कृपा से भोजन ज्यादा ही हो गया। कामाक्षी अम्मा की कृपा से खाना अच्छा बना। देवम्मा, लोग आजकल बहुत पाप कर रहे हैं। क्या हुआ? रंगैया की औरत किसी मर्द के साथ भाग गई। अम्मा कामाक्षी, इतना बड़ा पाप? उससे बड़ा पाप तो लोग कर रहे हैं, सबको ये खबर सुनाकर। बोलते हैं अच्छे नहीं थे। अम्मा, ये सब बातें आप क्यों सुनते हो? अब कोई मुझे ही आकर सुनाएगा तो उसके सामने कान कैसे बंद कर लूं? अम्मा कामाक्षी, आपके कान अशुद्ध हो गए, कल गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा। हाँ अच्छा ठीक है, शिव से क्षमा प्रार्थना भी कर लूंगा। अच्छा देवम्मा, अब तुम जाके आराम कर लो, मुझे भी जल्दी सोना चाहिए, कल तड़के खेत पर जो जाना है। जी अब सो जाइए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो, ओम नमः शिवाय। शिव स्नान किया ना? हाँ क्यों? कपड़ा जैसे लेकर गए थे वैसे लेकर आए, कपड़ा क्यों नहीं बदला? कपड़ा? हाँ वो देर हो गए ना, तो मैंने सोचा कि घर में ही बदलूंगा। बदन भी ठीक से नहीं पहुंचा।
अब कपड़ा बदल लीजिए। अरे अभी तक कपड़ा नहीं बदला, कब पूजा करेंगे, कब खाना खाएंगे? हाँ बदलता हूँ, आज सब नियम भंग हो गया। शिव शंभो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा मन पाप की ओर क्यों भाग रहा है? मुझे क्षमा करो प्रभु और शक्ति दो कि मैं अपने जीवन भर की साधना को बचा सकूं। हे प्रभु, मुझे भ्रष्ट होने से बचाओ, मेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। तुमने ही कामदेव को भस्म किया था, आज कामदेव मुझ पर प्रहार कर रहा है प्रभु, उसे भस्म करो, उसे भस्म करो प्रभु। लीजिए। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? प्रसाद समझकर खा लो। जय कामाक्षी अम्मा। शिव, जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद मड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्भरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्ध्वनि धराद्वगद्वगज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम स्मरांतकं भवांतकं पुरांतकं मर्वांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकानाकं भजे। चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं। चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं। तनोतु न शिव शिवं। तनोतु न शिव शिवं। शांतं पापं।
शिव कल्याण करे। शिव कल्याण नहीं कर रहे हैं पुजारी जी, मेरी तो सुनते नहीं है, शायद आपकी सुन ले। आज सुबह से अशांत दिख रहे हो शास्त्री। भोले शंकर जो भी करती हैं अच्छे के लिए करती हैं, क्या चिंता है? मैं अपनी साधना से भटक गया हूं पुजारी जी, एक शंका मन को अशांत कर रही है, शायद आप इसका निवारण कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। आओ मेरे साथ। बताओ क्या समस्या है? क्या बताऊं पुजारी जी, कल से मेरा मन एक पाप की ओर भाग रहा है। कैसा पाप? कल नदी पर एक युवती को स्नान करते हुए देखा, एकांत में जल क्रीड़ा करती हुई उस अर्धनग्न नवयौवना का सुंदर शरीर भुलाए नहीं भूलता। तब से कामाग्नि में चल रहा हूं, मेरी साधना भस्म हो रही है। राम शास्त्री, ये तो किसी भी पुरुष के लिए परम स्वाभाविक है, और जो स्वाभाविक है उसके लिए चिंता क्यों? चिंता इसलिए पुजारी जी कि इस घटना के अशुभ छाया पति पत्नी के सात्विक संबंध पर भी पड़ रही है। शास्त्री तुम बहुत भोले हो, मैं समझ गया कि तुम्हारी समस्या क्या है और क्यों है। जीवन केवल धर्म ज्ञान से नहीं चलता है, कर्म ज्ञान भी आवश्यक होता है। तुमने विवाह क्यों किया? विवाह करना मेरा धर्म था इसलिए, विवाह करना जीवन के लिए आवश्यक है इसलिए। भगवान शिव ने भी तो विवाह किया है। भगवान शिव के तो बच्चे भी, तुम्हारे क्यों नहीं? शास्त्री, विवाह धर्म है पूर्णता के लिए और आवश्यक है संतानों उत्पत्ति के लिए, जो पूर्णता देती है। किंतु ब्रह्मचर्य तोड़ना पाप नहीं है? विवाह के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना पाप है, और अपने मनुष्य होने का कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा पुण्य है। शास्त्री, सृजन के लिए नर और नारी का मिलन होता है, और सृष्टि चलाने के लिए यही ईश्वर का विधान है। पुजारी जी, आज मुझे धर्म और कर्म का सही ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरी सारी उलझन खत्म हो गई। शास्त्री, मैं तो कहता हूं कि भगवान शिव ने ही तुम्हारी आंखें खोलने के लिए यह घटना घटित की। अब जाओ और भगवान के भक्ति के साथ अपने दायित्व का पालन करो, और याद रख लो, ये संसार तो है विष वृक्ष, लेकिन अमृत फल भी यही पाओगे। कड़वा स्वाद जानोगे तभी तो मीठे का आनंद पाओगे। धन्यवाद पुजारी जी, और प्रणाम। ठीक है, अब मैं जाती हूं। शुभ रात्रि। सुनो।
जी, क्या तुम्हारी तरह पार्वती भी रात में शिव को छोड़कर चली जाती है? जी पता नहीं, मैं सुबह कामाक्षी अम्मा से पूछकर बताती हूँ। नहीं, पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैंने शिवजी से पूछ लिया है। क्या बोले? बोले कि पार्वती उनके साथ ही रहती है, उन्हें छोड़कर नहीं जाती। और 3 साल के भीतर ही आ गए उनके आंगन में बाल अमरेश्वर और बालिका रूप में चामुंडेश्वरी।